हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं लास्ट डे जो है यानी कल सुबह 4 बजे पहुँचा था घर। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के पश्चात घर आया हूँ सुबह 4 बजे। और ट्रेन में तो आपने देखा ही था कि सिचुएशन कितनी ख़राब थी, एकदम मतलब खचाखच भरी हुई थी। तो इस वजह से जनरल बोगी में सफ़र करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो खैर, सफ़र करके जैसे तैसे आए घर, तो फिर सो नहीं पाए थे। तो पहले कल दिन भर अच्छे से सोया हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं कल ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं कर पाया। बट गाइज, आज है मंगलवार और हमारे यहाँ पर आज है बड़ा मंगल, जिसको कहते हैं ज्येष्ठ माह का मंगल। और आज के दिन होता क्या है, जगह जगह भंडारे हो रहे होते हैं, खूब शरबत बट रहा होता है, पूरी सब्जी बट रही होती है। तो हम लोग भी एक भंडारा जो है करवा रहे हैं ये घर के पास में। तो चलिए, आप लोगों को लेकर चलता हूँ उसी भंडारे में और दिखाता हूँ कैसे होता है हमारे यहाँ का बड़ा मंगल। और यहाँ उत्तर प्रदेश के इस हिस्से का, अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा आयोजन होता है ये ज्येष्ठ माह के मंगल का। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो भैया, ऐसा है कि हम ले लिए हैं मोहित भाई को। हम और मोहित भाई दोनों लोग अब निकलेंगे भंडारे के लिए। अभी तक शुरू नहीं हुआ है भंडारा, लेकिन अब थोड़ी देर में, आधे पौने घंटे में शायद, जहाँ तक क्यों कितनी देर में शुरू होगा, 15-20 मिनट में भंडारा शुरू हो जाएगा। फिर दिखाता हूँ क्या कैसा होता है हमारे यहाँ का भंडारा। ये देखिए, ये मंदिर है और यहीं पर जो है उस जगह पर, वहाँ पर भंडारे का आयोजन होना है अभी तब से थोड़ी देर बाद में। वो देखिए बढ़िया लगा हुआ है। हमारे भाई यहीं पर होना है भंडारा। तो अभी मैं आ चुका हूँ भंडारे में और हमको मिल गए रजनीश भाई। रजनीश भाई हमारे बचपन के दोस्त हैं और ये मान लीजिए कि जब हम लोग साथ में पढ़ते थे, 10th क्लास तक हम लोगों ने साथ में पढ़ाई की। और आज जो है बहुत टाइम के बाद में हम लोग मुलाकात हो रही है, असल में जॉब वॉब करने लगे हैं ये भी, तो इस वजह से जो टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन आज बाबा के भंडारे की वजह से इन्होंने छुट्टी ले ली और जो है बोले बाबा के जो है भंडारे में मैं अपनी पूरी समय दूंगा भाई, क्योंकि सब कुछ जो है बाबा के कृपा से ही हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पर आधे से पौने घंटा लगने वाला है, आधे से पौने घंटे के बाद में भंडारा शुरू होगा। और जगह जगह तब तक मैं नगर में भ्रमण करके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पर क्या क्या होगा। ये चलते हैं, आपको दिखाते हैं जहाँ पर जो है भंडारे का प्रसाद जो है बन रहा है, वहाँ पर कैसे क्या तैयारियाँ होती हैं, कैसे बनता है, वो सब आपको दिखाता हूँ मैं। विवेक भाई अपना जो है लगा हुआ है यहाँ पे, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए बढ़िया जो है आटा वगैरह गूंथ चुका है, पूड़ियाँ बनने को रेडी है, ये बन गई सब्जी। ये देखिए इतने सारे इसमें इसमें उसमें और उसमें, इन चारों में जो है सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। और ये जो है यहाँ पर हलवाई लगे हुए हैं और पूड़ियाँ तैयार कर रहे हैं, कुछ इस तरीके चावल बन रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। देखिए छोला और चावल की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। और ये देखिए जो है बूंदी की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। और सभी लोग जो है अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो कुल मिला के बहुत बड़ा आयोजन होता है ये यहाँ पर। और जो स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं इस समय, पूरे 9 या ये जहाँ पर मैं रहता हूँ मतलब यहाँ पर, और पूरे अवध क्षेत्र जितना है, लखनऊ और इसके आसपास का जितना क्षेत्र है, यहाँ पर ज्येष्ठ मास में यही होता है। हर मंगलवार को भंडारे का आयोजन बाबा के नाम से होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी तो खैर ये तैयारियाँ चल रही हैं, अभी देखिए आगे और भी बहुत कुछ आपको देखने दिखाने वाला हूँ मैं। अभी जब मैं अभी थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, मैं और मोहित निकलेंगे नगर भ्रमण के लिए, तो आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि उन्नाव में हमारे यहाँ पर कितने ज़्यादा भंडारे चल रहे हैं। और आज भाई कोई रेस्टोरेंट नहीं जाता, कोई किसी होटल नहीं जाता, आज सब भंडारे का मज़ा ही लेते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको, काउंट कराते हैं कितने हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए उस तरफ चल रहा है, तीन चार जगह मैंने आपको दिखाया। अभी आगे जैसे जैसे घर की तरफ बढ़ेंगे वापस, तो वैसे वैसे और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और भंडारे में पूरी सब्जी, छोला चावल और रुआफ़ज़ा शरबत, इस तरह के बहुत आइसक्रीम भी जो है वितरण किया जाता है। तो ये समझ लीजिए आपकी जो है ये अपने आप में बहुत जो है बहुत ही अलौकिक रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है देखने में भी। और बाकी यहाँ पर जो प्रसाद वितरण होता है उसका प्रसाद सभी लोग जो है ग्रहण करते हैं। तो अभी हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम लोग वहाँ चल रहे हैं जहाँ पर हम लोग भंडारा अपना करवा रहे हैं। इस बीच अभी रास्ते में लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र बाकी है, इसी 1 किलोमीटर के अंदर आपको शायद 10 से 15 स्टॉल देखने को अभी और मिलने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए अभी यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं। ये देखिए यहाँ पर भी है, तो
ये देखिए पास पास लगभग सिर्फ 30 से 40 मीटर की दूरी पे ही जो है व्यवस्था की गई है, जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ये देखिए हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए, ये देखिए यहाँ पर है, एक ये यहाँ पर है, आसपास ही है सारे के सारे। तो आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे भंडारों जो है भंडारों की जगह बनाई गई हैं, भंडारे चल रहे हैं जगह जगह, और कहीं पर शरबत चल रहा है, कहीं पर पूरी सब्जियाँ चल रही है, छोला चावल चल रहा है। हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए और दिखाते हैं आपको कि हमारे यहाँ की क्या तैयारियाँ हैं। कन्या भोज चल रहा है यहाँ पर, सब लोग तैयारी, तो कन्या भोज के साथ में जो है आयोजन शुरू हो चुका है भंडारे का। दिखाते हैं आपको अंदर जो है छोटी छोटी, वहाँ का तो बना दिया है, देखिए छोटी छोटी कन्याएँ जो हैं अपना भोजन चल रहा है। ये भाई भाभी जी पूरी व्यवस्थाएं जो है यही देख रही हैं, और जैसा कि हमारा प्रावधान होता है हिंदू समाज में कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले जो है हम कन्याओं को भोज कराते हैं, तो कन्या भोज अंदर चल रहा है और दिखाता हूँ आपको कि भाई पूड़ियाँ वगैरह बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए बढ़िया जो है गर्म गर्म पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, सब्जी वगैरह सवेरे ही बनकर तैयार हो गई थी और पूड़ियाँ बनकर जो है वो तैयार हो गई हैं, इधर अभी तैयार की जा रही है। तो लगभग ये मान लीजिए 1000 से 2000 लोग तो इस भंडारे में रहने ही वाले हैं आज। बूंदी उधर बनकर तैयार है, तो भाई बहुत मज़ा आता है यार ये सब देखकर इस आयोजन में। ये देखिए जो है भंडारा हम लोगों का भी शुरू हो चुका है और सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं और भक्तगण आ रहे हैं और प्रसाद ले रहे हैं। मैं भंडारे से वापस आ चुका हूँ घर, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, 4-5 घंटे वहाँ पर रुका एंड देन बहुत मेरा सर चकराने लगा, तो इस वजह से मैं घर वापस आ गया हूँ। थोड़ी देर आराम करूँगा और फिर चलेंगे आगे की तरफ, फिर आगे चलेंगे। फिलहाल अभी वक्त हो रहा है कि अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगा एंड देन चलेंगे। सो गाइस मैं आया था घर आराम करने के लिए, लेकिन वहाँ से फिर से आ गए मुझे लेने के लिए मंजुल, तो मंजुल के साथ जा रहे हैं दोबारा मैं इनके घर की तरफ जहाँ पे भंडारा हो रहा है पीटी नगर में ना, पीटी नगर वहाँ पे क्या क्या व्यवस्था बताओ जरा। कड़ी चावल बूंदी की व्यवस्था है, जो भंडारा इनसे छूट गया था वो भी इनकी पकड़ में आ जाएगा, बाबा का प्रसाद और आशीर्वाद दोनों मिल जाएगा वहाँ से इनको। तो भैया वहाँ से प्रसाद लेंगे और नपेन भैया के घर तक भी देंगे जाके, ताकि प्रसाद जो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना ही अच्छा है। तो चलो भाई आज पूरा दिन जो है हमारे यहाँ अवध की शान है जेठ के मंगल, तो आज उसी जेठ के मंगल के आपको और ज़्यादा दृश्य दिखाते हैं कि और कहाँ कहाँ पर जो है। लगभग रास्ते में कितने हो रहे हैं? हमारी रोड पर 7 हो रहे हैं सर, 7, और लगभग सुबह से 10 से 12 मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो लगभग 20-25-30 मीटर पर ही जो है भंडारे चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको और कहाँ पर कहाँ कहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है। चलो भैया तो भैया अवध किसान जेठ मंगल का जो भंडारा चल रहा है मंजू के साथ आए थे, तो कढ़ी चावल का भैया हमने सोचा टेस्ट ले ले। भंडारे में कोई भी चीज़ बनती ना लाजवाब बनती भाई। अब कढ़ी वैसे भी हमको बहुत पसंद है, लेकिन जो यहाँ की कढ़ी बनी है ना उसका टेस्ट ही एकदम अलग है। पूरी सब्जी वहाँ पे खाई थी, कढ़ी चावल यहाँ पूरा दिन ना यार, बस लोगों के घरों पे आज खाने नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि भाई इतना ज़्यादा जो है बाबा दे रहे हैं खाने को, तो क्यों बनाए। नपेन भैया को बुलाया घर से, नपेन भैया भी आएंगे तो उनको भी प्रसाद जो है अभी यहीं से पैक करा के देंगे। लेकिन भाई ये सच में जो अवध का कल्चर है उसकी खास विशेषता यही है कि हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भंडारे होते हैं भाई। तो जेठ का मंगल पड़ जाए जगह जगह आपको भंडारे देखने को मिलेंगे। तो भाई उत्तर प्रदेश आओ और भंडारा ना खाओ ऐसा कहाँ हो सकता है भला, तो आइए और भंडारा खाइए। हाँ नपेन भैया जो है हमारे आ चुके हैं, उनको भी कढ़ी चावल खिलाना है भैया। क्या हुआ? वोल्टेज बहुत कम आ रहा है। वोल्टेज कम आ रहा है कब से? अरे कल से बिल्कुल हालत खराब किए हैं। जैसे जैसे गर्मी पड़ती वैसे वैसे जो है पावर का प्रॉब्लम होने लगता है, और भैया के इधर जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वही कह रहे थे कि बात कर लो जे इसे, मैंने कहा आप ही कर लो, तो कर रहे हैं बात, देखते काम होगा तो होगा वरना फिर हम देखेंगे। फिलहाल इनको प्रसाद दिलाते हैं। कैसा है? प्रसाद
तो बढ़िया, पूरी सब्जी चावल सब हो गया घर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ चल रहा है भाई भंडारा, सबके तो बैठे भंडारा जो है खा रहे हैं घर पे सही है। लेकिन बिट्टू कैसा है टेस्ट? अच्छा है। और सो गाइस, जैसा कि आज आप लोगों ने देखा मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से कि हमारे यहाँ पर जो ये महीना होता है जून का महीना, इस महीने में बड़ा मंगल के नाम से जो है हनुमान जी के भंडारे कराए जाते हैं। जगह जगह भंडारे होते हैं और बड़े मज़े आते हैं। गाइस एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये भी देनी थी कि मेरे 1K यानी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरे और बिट्टू की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत प्यार दे रखा है। उम्मीद कर फैमिली 1K फैमिली, हाँ तो हम लोगों की 1K फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग 1K कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोगों का साथ सहयोग मिलता रहा तो जल्दी ही हम लोग जो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी अपने कंप्लीट करेंगे। सो गाइज, आई होप कि आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दिएगा और प्लीज़ 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 मेरे ज़रूर दबाइएगा और मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मैं ब्लॉग में इतने दिन बाद आ रही हूँ तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक 1K लाइक होने चाहिए। एक्चुअली इस चैनल की जो कोऑर्डिनेटर हैं वो बिट्टू शुक्ला ही हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।